वेलकम टू यूट्यूब चैनल दोस्तों। आज स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर वेब फ्रॉम फॉर 7 to 8 बेबी गर्ल, जिसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 1 मीटर प्लेन और नेट फैब्रिक्स लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लेन फैब्रिक को 4 फुट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें टॉप के लिए मार्किंग करनी है, तो फोल्ड एरिया से शोल्डर हम लेंगे 5 इंचेस और यहाँ से आर्महोल हमें लेना है 5 इंचेस और हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पे चेस्ट का पार्ट हम लेंगे 8 इंचेस, हल्का सा राउंड शेप देते हुए आर्महोल ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ हमें लेनी है 12 इंचेस और यहाँ से ब्रॉडनेस हम लेंगे 8.5 इंचेस। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस हमें लेनी है 2.5 इंचेस और लेंथ यहाँ पे हम लेंगे वी शेप में हमें नेक ड्रॉ करना है, तो लेंथ हमें लेनी है 5 इंचेस, वी शेप में यहाँ पे नेक ड्रॉ करना है। अब हमें इसे कट कर लेना है, तो देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसे ओपन करेंगे तो हमें 2 पीसेस मिल गए हैं यहाँ पे फ्रंट और बैक के लिए टॉप पार्ट के इस तरह से। अब यहाँ पे हमने स्ट्रिप्स कट किए हैं, जिससे नेक पार्ट पे हमें उल्टा रखना है इस तरीके से और हमें सिलाई करनी है। दोनों एक पार्ट पे हम स्ट्रिप्स को उल्टा रखेंगे और रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलाई करना है बाद में। ये देखिए हमने इस तरीके से नेक पार्ट को रेडी कर लिया है। एक को राइट रखते हुए दूसरे इसके ऊपर हम उल्टा रखेंगे, दोनों शोल्डर अच्छे से मिलाएंगे और हमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने 2 स्ट्रिप्स कट की है नेट फैब्रिक से, जिसके अपर बॉर्डर पर हम बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो एक धागे को अलग करेंगे और एक हल्के हाथ से खींचते हुए पूरे लेंथ में हमें गैदरिंग करना है और 2 रफल यहाँ पे हम रेडी करेंगे, जिसे हमें आर्म होल पे उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है और यहाँ पे अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने 2 रफल्स यहाँ पे रेडी कर ली है और जिससे हमें इस तरीके से आर्म होल को मिलाते हुए इसके ऊपर हमें सीधा रखना है और हमें सिलाई करनी है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने दोनों रफल्स को यहाँ पे अटैच कर लिया है, आर्म होल को हमने डेकोरेट कर लिया है इस तरीके से। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे बॉटम के पार्ट्स के लिए नेट फैब्रिक से हमने 2 2 रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं। जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 25 इंचेस और लेंथ हमने ली है 14 इंचेस। जिसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 55 इंचेस और लेंथ हमने ली है 16 इंचेस। इसके अपर बॉर्डर पे हमें बड़े नंबर की सिलाई करनी है और यहाँ पे हमें गैदरिंग करना है। तो देखिए हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पे एक धागे को अलग करेंगे और एक हल्के हाथ से खींचते हुए पूरी ब्रॉडनेस में हमें गैदरिंग करना है। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स पे गैदरिंग कर लिया है
और यहाँ पे नीचे वाले बॉर्डर पे हमें इसे सीधा रखना है और हमें सिलाई करनी है। दोनों पार्ट्स को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स यहाँ पे अटैच कर लिए हैं और यहाँ पे अपर बॉर्डर पे हमने बटन नंबर की सिलाई की है। तो यहाँ पे भी हमें गैदरिंग कर लेना है और बॉटम के दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी करेंगे हम इस तरीके से। तो देखिए हमने दोनों पार्ट्स में गैदरिंग कर लिया है। अब यहाँ पे बेस फैब्रिक के लिए हमने प्लेन फैब्रिक से दो रेक्टेंगल पीसेस कट किए हैं जिससे भी हमें गैदरिंग कर लेना है यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे नीचे वाली साइड में अरेंज करना है हमें। तो ये देखिए हमने गैदरिंग कर लिया है और इस तरीके से हम बेस फैब्रिक को अरेंज करेंगे दोनों पार्ट्स के नीचे। और यहाँ पे हमने जो टॉप का पार्ट बनाया है इसे इसके ऊपर हमें उल्टा रखना है और हमें सिलाई करनी है। और इसी तरीके से दोनों पार्ट्स यहाँ पर रेडी करेंगे हम। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमने रेडी कर लिए हैं। टॉप और बॉटम हमने जॉइंट कर लिए हैं। अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स को रॉन्ग साइड पैटर्न करना है इसकी फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से मिलाने के बाद दोनों साइड से 1 इंच के डिफरेंस पे हम सिलाई करेंगे और फ्रॉक को फिटिंग कर लेना है। वन बाय वन हमें नेट और बेस फैब्रिक को फिटिंग करना है और इसके बाद बेस फैब्रिक के नीचे वाले बॉर्डर को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करते हुए सिलेक्ट करना है पूरे राउंड में। ये देखिए हमने फ्रॉक को हमने फिटिंग कर लिया है, बेस फैब्रिक की बॉर्डर को भी हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे दो रेडीमेड फ्लावर हमें अटैच करने हैं डेकोरेट करने के लिए। इस तरीके से अटैच करेंगे और इसी के साथ ही डिज़ाइनर भी फ्रॉक हमारा रेडी है। दोस्तों अगर आपको ये हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।